तो भाई लोग कैसे हो? तो यहां पर आता हूं मैं टेम्पल पे। अब यहां पर क्या सीन होता है ना, वो तुम देख के भी बोलोगे भाई ये क्या सीन है। मतलब मैं जैसे अंदर घुसता हूँ तभी मेरे के सामने ना तितली पड़ी होती। मैंने कहा अब तो भाई मैं ही राजा हूँ, और यहाँ पर लेने के बाद सीधे बंदे पे पुश करता हूँ मैं। क्योंकि भाई इस बंदे की इतनी किस्मत खराब थी, मतलब ये समझ लो कि इस मैंने ना यहाँ पे उड़ता तीर अपने आप पे ले लिया था। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक बंदे को मारा, सामने बॉट को मारा। अब जो दो मॉन्स्टर थे ना भाई वो मेरे पीछे पड़ गए थे, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। मेरे को मारना ही मारना है क्योंकि ये भाई मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैं हिल वेटर भी नहीं कर पा रहा था। अब छोड़ ही नहीं थे। अब यहाँ पर एक बंदा और होता है जो कि इस चीज़ का फायदा उठाना चाहता था, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पुश करता है मेरे पे, तो पहले तो मैं इस बंदे को भरता हूँ। अब यहाँ पर टोटल 3 किलो गए थे और जो मॉन्स्टर साले मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, देख रहे एच पी देख रहे कितना डाउन करे जा रहे थे मेरी। यहाँ पे मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था भाई निकलने की, तभी यहाँ पे ये सीन होता। भाई मैंने सोचा अब तो जैसे तैसे मेरे को भागना पड़ेगा, हील करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर फिर से पीछे पड़ जाता भाई। मतलब लौंडा भाई ये साला लौंडा बोल रहा हूँ, मॉन्स्टर छोड़ ही नहीं देते भाई मेरा पीछे। मैंने कहा जैसे तैसे मैं आगे आता हूँ, इस पत्थर पर आता हूँ, और यहाँ पर क्या सीन होता है वो तुम देखो। अब यहाँ पर मैं आने के बाद मेरे को सामने बंदा स्पॉट होता है, मुझे लगा बॉट है। तो भाई यहाँ पर देखो मॉन्स्टर मॉन्स्टर मार रहे थे, ऊपर से इन बंदे भाई को देखो, मतलब कहाँ से टपका मेरे को भी नहीं पता। और यहाँ पर अब मेरे पे रिकॉल था, सबसे अच्छी बात यही थी जैसे रिकॉल होता है। मैंने सोचा भाई देखो अब मर तो गया ही हूँ, ठीक है अब माइनस पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भाई माइनस ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस बंदे ने मेरे को मारा है ना उस भाई से बदला लेना है, तो इसलिए मैं इसी टेम्पल पर आता हूँ। पर यहाँ पर सीन होता है ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता, मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कार भी होती है। तभी मैं सोचता हूँ एक राउंड और मारता हूँ, किस्मत होगी तो ये बंदा पक्का मिलेगा। तभी एक राउंड और मारता हूँ, तभी यहाँ बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। अब ये बंदा वो नहीं था, हो सकता इस बंदे ने उस बंदे को मार दिया हो। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को स्पॉट करता हूँ, और मुझे पता था भाई पक्का है कि ये बंदा यहाँ से निकलेगा, इसलिए इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पर स्मोक करता हूँ। और इस बंदे से इतनी प्यारी लूट मिलती है मैं क्या बताऊँ। अब अच्छी लूट मिलने के बाद ना तो मेरे को सामने एक और बंदा स्पॉट होता है। अब एक पल को लगा कि भाई रिकॉल हुआ है, मतलब वो बंदा है। पर यहाँ पर आने के बाद भाई इधर ये बॉट होता है। अब बॉट को मारने के बाद ना मैं सोचता हूँ भाई डासे लेके यहाँ से निकलूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी और भी किल चाहिए थे, 5 किल तो हो ही गए थे। तो इसलिए मैं यहाँ पर मतलब से समझ लो अंधा पुश करता हूँ। कॉन्करर लॉबी में तुमको अंधा पुश करने को इतनी बढ़िया गेम प्ले मिलेगा ना, मैं क्या बताऊँ। अब यहाँ पर बग्गी लेके घूम रहा होता हूँ, मतलब डासे का फील खत्म हो जाता है तो बग्गी लेके घूम रहा होता हूँ। नीचे मुझे कोई भी नहीं मिलता, इसलिए मैं सोचता हूँ ऊपर बंदा होगा तो ऊपर निकलता हूँ। तो यहाँ पर एच पी देखो डाउन, मतलब स्कैम हुआ मेरे साथ, वो तो बढ़िया थी, किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। अब यहाँ पर आते हैं हेल्थ मारता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत लूट करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर भाई मैं लूट कर रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि इसको मारते हैं थोड़ा और लूट मिलेगी। तभी यहाँ पर मुझे पीछे से एक बंदे का साउंड आता है। अब ये बंदा भाई मेरे पे पुश कर रहा था, मुझे लगा चलो भाई 1v1 फाइट होगी मजा आएगा। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ना नेड करूँ, पर भाई थोड़ा मुझे लगा कि वो मेरे से पहले नेड कर रहा है, तो इसलिए मैं पीछे फॉल बैक करता हूँ क्योंकि अभी ये मेरे पर रिकॉल नहीं है, तो भाई रिस्क तो लेना ही नहीं है। अब ये बंदा इधर आता है, मुझे लगा फिर से नेट आएगा, इसलिए मैं पीछे फॉल बैक करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक नेट करने का ट्राई करता हूँ, मुझे पता था वो बंदा नेट करेगा मेरे पे। यहाँ पर मैं एक और नेट करता हूँ, अगर ये इस बंदे से नहीं फूटेगा तो इसलिए मैं इस बंदे पर पुश कर दूंगा इधर। और इस बंदे को आराम से मार देते हैं। और ये मेरी आदत है, मतलब मैं एक या दो नेट करता हूँ ना, फिर उसके बाद मेरे से सबर नहीं होता है, नेट से नहीं मरता, इसलिए बंदे पे पुश कर देता हूँ। और यहाँ पर लूटने के बाद मैं एग्जिट करता हूँ, और यहाँ पर मुझे सामने बग्गी दिख जाती है, और बग्गी लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ और बंदों पे, क्योंकि अभी यहाँ पर भी और भी किल चाहिए थे, तो इसलिए बग्गी लेके मैं आगे निकलता हूँ। तभी मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है, तो मैं सोचता क्यों ना इस बंदे को रोक के मारूं। पर भाई सामने एक कार और आ रही होती है जो कि भाई ओपन हो जाएगा, ये गलती मेरे को नहीं करनी। और आप लोग को भी मैं यही बोलूंगा, अगर रिस्क ले रहे हो ओपन में तो भाई बहुत रिस्क रहता है, मार भी दोगे ठीक है पर दूसरा बंदा कहीं से मार देगा। तो मैं ओपन में बहुत ही कम चांस रहता था फाइट लेता हूँ। तभी मेरे पीछे ना एक बग्घी, मतलब बोल रहा हूँ कार पड़ जाती है। अब मैं चाहता था कि भाई ये घर के साइड आए और इस पर घर पर मारूँ। अब ये बंदे का स्प्रे बहुत प्यारा था, इसलिए इसने अच्छी खासी मेरी एचपी डाउन कर दी थी। और यहाँ मैं जैसे बैंडेज ले रहा होता हूँ ना, तो मेरे पीछे डीपी का साउंड आता है। भाई यहाँ पर डीपी वाला भी बंदा था, तो मैं सोचा ओपन में नहीं अंदर घर में घुसता हूँ और जो बंदा आएगा उससे फाइट लेता हूँ, इसलिए मैं अंदर घुसता हूँ।
और सामने भाई कार घूम रही होती है। जैसे ही मैं इसको डैमेज देता हूँ ये बंदा मेरे पे पुश कर देता है। अब मैं इस बंदे को मारने के बाद ना मैं सोचता हूँ भाई डीपी वाला बंदा मेरे पे पुश ना कर दे, इसलिए हम बैंडेज लेता हूँ और इस बंदे पे स्मोक करता हूँ क्योंकि लूट चाहिए थी मेरे को, और स्मोक करके ना उस बंदे को स्पॉट करता हूँ जो डीपी वाला था। तभी मेरे को सामने ना वो बंदा स्पॉट हो जाता है और इस बंदे को मारने के बाद तुम्हारे टोटल के 8 हो गए थे और बंदे को मैं क्रेट भी लूटता हूँ यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ क्रेट लूट रहा होता हूँ ना, अब यहाँ पर मुझे हल्का से बग्गी का साउंड आता है। यहाँ पर मैं इस बंदे को ट्राई करता हूँ मारने के लिए, तो मैं सोचता हूँ भाई इस बंदे पे पुशी कर देता हूँ। तभी ये बंदा यहाँ पर जंप करने लगता है। अब मैं समझ गया था भाई ये अपना ही भाई है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई। ठीक है, अब इस बंदे से अच्छे खासे बातें होती हैं जो कि आप भी भाई इधर सुन सकते हैं कि हमारी क्या बात हुई है। भाई सच में बता रहा हूँ ना, जब ऐसे लोग ना इतना प्यारा सा प्यार दिखाते हैं ना, तो मैं कसम से मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैं सोच लेता भाई थैंक यू मोस्ट, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत बड़ा थैंक यू भाई ऐसे लोगों को, भाई बहुत बड़ा थैंक यू जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, और जो नए भी करते हैं ना कोई बात नहीं भाई, आप लोग भी बहुत बड़ा प्यार है मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उस बंदे को बोलता हूँ भाई तू निकल जा, मैं बग्गी लेके यहाँ से निकलता हूँ। तभी मेरे साथ ये होता है, मुझे लगा भाई बग्गी फूट जाएगी, पर किस्मत तुम ही लोग का भाई, मैं कसम से बोला तुम लोग को जितना प्यार दिखाते हो ना भाई वही किस्मत है मेरी, ये समझ लो। अब यहाँ पर बग्गी लेके घूम रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पे अच्छे खासे कॉइन थे, तो मैं सोचता हूँ फ्लेयर मंगाऊँ, पर मेरे पे इतने भी कॉइन नहीं थे। तो यहाँ से अपने कूप दिखती है, तो मैं इस पर स्प्रे मारता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं हेलमेट बेस्ट निकालता हूँ, और लेने के बाद ना यहाँ से बग्गी लेके और बूस्ट करके यहाँ से निकलता हूँ आगे की साइड। तभी मैं सोचता हूँ कि बंदे यार कम से कम 19 बंदे बच रहे थे, और लास्ट भी सर्कल था, मतलब छोटे लास्ट बोल रहा हूँ, थर्ड या सेकेंड लास्ट सर्कल था, क्योंकि काफ़ी छोटा सर्कल था। तो मैं सोचता हूँ भाई होल्ड कर लेता हूँ, अच्छे खासे किल भी निकलेंगे और चिकन भी लास्ट में निकालने का फुल टू फुल ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इस शेक में आता हूँ और यहाँ पर होल्ड करता हूँ, तो मेरे को बग्गी का साउंड आता है। अब जैसे इस बंदे को हेड मारता हूँ, तभी मैं इस बंदे को जंप करता ना सामने, मैं समझ जाता हूँ भाई ये वही बंदा है जो कि भाई मिला था। उसके बाद मैं इस बंदे को भाई सॉरी बोलता हूँ, एंड ये भाई ड्रॉप लूटने आया था, पर इसने हेलमेट बैच तो ले लिया था, पर भाई ओम मेरे लिए छोड़ दी थी इसने, तो भाई क्या ही बताओ। अब इधर मेरे से ड्रिंक मांग रहा था, तो मैं सोचता भाई लो भाई क्यों नहीं, तुमको ड्रिंक क्यों नहीं देंगे आप। इसके बाद इस बंदे को मैं ड्रिंक देता हूँ, उसके भाई बोल देता हूँ भाई तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई लोग भाई मेरे से ये सोचें कि यार मैं टीम अप करके खेलता हूँ, तो भाई वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। ठीक है ना, तो उस बंदे को बोलता हूँ तू भाई यहाँ से निकल जा। काफ़ी देर मेरे को यहाँ पे सीख में बैठे बैठे हो जाता है, और टोटल यहाँ पे 11 बंदे बच रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सामने कूप घूम रही होती है ना, अब मुझे क्या लगा वो कूप मेरे पे रस करेगी, इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ। अब वो तो यहाँ से निकल जाती है, तभी यहाँ पे दो बग्गी खड़ी होती है, मैं यहाँ पे बंदा स्पॉट करता हूँ कि कोई है तो नहीं, तभी यहाँ पे ये बंदा दिखता है। अब ये बंदा भाई किसी और को स्पॉट कर रहा था, पर भाई किल तो भाई मेरा ही था। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ सर्कल दूर हो गया था मेरे से, इसलिए बग्गी लेके सामने जो शेक होता है ना उस शेक पे मैं रस कर देता हूँ। अब ये बंदा ना, मतलब मैं जैसे ही रस करा ना ये बंदा बाहर नहीं निकलना चाहता, मुझे डर था भाई कि भाई मार ना दे। तो इसमें सोचता हूँ भाई मॉली करूँ, नेट करूँ, क्या करूँ। अब तभी मेरे को पीछे से स्प्रे आता है, मैं समझ जाता हूँ भाई पीछे मैं ओपन मरूंगा, घुस लेता हूँ, अगर अंदर मरूंगा ठीक है भाई, पर ऐसा नहीं, इसलिए मैं बंदे पर रस कर देता हूँ और इस बंदे को मारता हूँ। तभी यहाँ पे एक अच्छा मौका देख के कूप रस कर देती मेरे पे। अब यहाँ पर इस बंदे को मारता हूँ, और उस बंदे को मारने के बाद ना यहाँ पर मैं थोड़ा वो लूट भी करता हूँ, बूस्ट भी करता हूँ, और यहाँ पर मैं बंदे स्पॉट करता हूँ। तब मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है जो कि लेटा हुआ था, तो यहाँ पर मैं 6x बनाता हूँ, इस बंदे को देखता हूँ और यहाँ पर इस बंदे को मारता, मतलब लौंडा भाई वेट कर रहा था कि मैं कब बग्गी उठाऊँ, कब मेरे को पेल दे। तो भाई इससे अच्छा मैं यहाँ से निकलूँ। अब यहाँ पर बग्गी लेके घूम रहा होता हूँ, तो मेरे को सामने से एक M4 का स्प्रे आता है। अब मैं समझ गया था भाई देखो इसका फेस टू फेस, मतलब अगर इसमें सामने से जाऊँगा ना तो बंदा मेरे को गिरा देगा, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा घूम घाम के जाऊँ घर पर रेस्ट करूँ। तभी भाई यहाँ पर ये सीन होता है, अब इधर मुझे लगा कि इस बंदे का कहीं और ध्यान है, मेरे पे ध्यान नहीं है, तो मैं यहाँ से निकलूँ, पर भाई इस बंदे का मेरे भी ध्यान था। तो यहाँ पर मैं हेल्थ लेता हूँ क्योंकि एक बंदा मेरे से बग्गी पे और रस कर गया था जो कि सामने बंदा था।
अब मुझे थोड़ा सा क्लियर फुट नहीं आ रहा था ये बंदा है किधर। अब मेरे को साउंड आया थोड़ा सा, तो मैं सोचता हूँ कि सामने बंदा हो सकता है। तो यहाँ मैं सोचता हूँ भाई काफ़ी ट्राई करता हूँ मेरे को मारने का ट्राई करे, पर वो मेरे को मारने का ट्राई नहीं कर रहा था, इसलिए मैं मौली करता हूँ और रश कर देता हूँ और इस बंदे को मार देते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट बंदा था ना वो सामने था, जो कि बग्गी थी, जो कि सामने भी थी, मुझे कन्फर्म था कहाँ पर बंदा है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फायरिंग करता हूँ, तभी ये बंदा बाहर निकलता है। अब भाई ये बंदा तो एक कैम चला रहा था भाई, एक शॉट दे दिया था इसको, इसलिए मैं डायरेक्ट इस बंदे पे पुश कर देता हूँ। और यहाँ पर ये प्यारा चिकन को मजा आया हो ना आपको गेम प्ले में, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जो नया बंदा आता है भाई एक ठोक के जाओ सब्सक्राइबर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ।